नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर एक के इक्वल है तो ए बी सी और डी का अधिकतम मूल्य क्या होगा। देखिए हमें ना ए बी सी डी की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी 1/2 के इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 1/2 रखता हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 का स्क्वेयर 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4। ठीक है, किसके इक्वल है, 1 के। अगर मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो ये भी किसके इक्वल आएंगे, 4/4 यानी 1 के। ठीक है ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कब हो रही है, जब ए बी सी और डी की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 के। तो हमें ए बी सी डी की मल्टीप्लीकेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी क्या रहेगी, यानी ए बी सी और डी का वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/16। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।